हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। सो हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप यू गाइस डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे जर्मनी का एक गांव, छोटा सा गांव जो कि पड़ता है ब्रैंडनबर्ग में, और ये ब्रैंडनबर्ग बर्लिन के सी जोन के आउटर एरियाज में पड़ता है। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा ब्रैंडनबर्ग, मतलब जो गाँव है वो गाँव कैसा दिखता है, यहाँ पे गाँव के घर कैसे हैं और गाँव में क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे बस या ट्रेन वगैरह वहाँ जाती है, और वहाँ पे ग्रोसरीज़ वगैरह लोग कैसे परचेज करते हैं, गांव के घर कैसे मिली हैं आप लोगों को ये सब कुछ दिखाऊंगा वीडियो में। तो अभी आज सैटरडे था तो सुबह से तो यहाँ बारिश हो रही है, तो अभी दोपहर का 1 बज रहा अभी, तो हम लोग अभी उठे थे तो अभी थोड़ी धूप निकली है, तो हम लोगों ने सोचा अभी फ्री बैठे थे तो कहीं घूम के आते हैं, तो सडन प्लान बना कि आज मतलब विलेज देख के आते हैं, विलेज दिखाते हैं आप लोगों को गाँव की, जर्मनी की विलेज कैसे लगता है देखने में। तो फाइनली अभी घर से वॉक करके हम लोग अपने जो घर के पास में अपना बस स्टैंड आया था, बस स्टॉप पे यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे बस स्टैंड को यहाँ पे एच के सिंबल से रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टाइम टेबल कैसे देखते हैं बस का। तो ये जो है ये डे मशीन की है, मंडे टू थर्सडे, ये फ्राइटैग फ्राइडे, और ये सैटरडे और संडे के लिए, ये वाला सोनटैग और सैटरडे के लिए। तो ये देखिए इसमें आवर लिखे हुए, जैसे 3 बजे 4 बजे 5 ऐसे आगे, ठीक है। तो 12 के बाद जैसे यहाँ पे अपने इंडिया में होता है ना, एक यहाँ पे 13 होता है, 13 14। तो अभी टाइम हो रहा है, यहाँ पे जैसे, तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 14, मतलब 2 बज रहे हैं। तो हमारी बस है अभी 2:07 पर। तो ये देखिए यहाँ पर 2:06 पर बस है, क्योंकि आज हमारा सैटरडे है तो 2:06 पर बस है, तो हमारी बस अभी साथ ही होगी। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मौसम अभी तो स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे ग्रीनरी कितनी हो गई है, सारा यहाँ पे पूरा ग्रीन हो गया, पीछे आगे ग्रीनरी हो गई है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है यहाँ पे ये सही। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बर्लिन कैसे डिवाइड हुआ है। जैसे ये बर्लिन का, ये बर्लिन का ए जोन है इनर एरिया, बी जोन इसका मिडल एरिया, और सी जोन है आउटर एरिया। और मैं आपको दिखाता हूँ टिकट यहाँ पे, मतलब टिकट का क्या प्राइस है और टिकट कैसे ली जाती है यहाँ पे। देखिए ये है सिंगल टिकट, सिंगल टिकट का प्राइस है जैसे ए बी जोन का 3.5 यूरो, और ये वैलिड होती है 2 घंटे के लिए, और ए बी जोन की इतना है और बी सी जोन का इतना है, और अगर ए बी सी का लेंगे तो आपको इतने का पड़ेगा, और सेम टिकट अगर 24 आवर्स की लेंगे तो आपको इतना प्राइस पड़ेगा, और जोन यही मेंशन किए हुए हैं, तो ये सारा मतलब देख सकते हो आप। और ये शॉर्ट ट्रिप की टिकट है, और ये एक्सटेंशन टिकट इसको कहते हैं, अगर आपके पास ए बी जोन की टिकट है तो आप अगर किसी दूसरे जोन का टिकट लेंगे तो आपको इतना, आपको मतलब दोबारा से सारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, एक वही वाला हिसाब है इसका ऐड ऑन करने का। तो आप टिकट का कुछ ऐसा ही है, तो यहाँ पे हर शो पे मतलब मेंशन किया होता है टिकट का, ये देखिए कि आप अपने हिसाब से टिकट ले सकते हैं, और यहाँ पर टिकट आप बस में भी ले सकते हैं टिकट, और आप ट्रेन में भी टिकट ले सकते हैं ट्रेन स्टेशन पर, यहाँ पर हर जगह फैसिलिटी होती है। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग अभी स्ट्रासबर्ग पहुँच चुके हैं। तो स्ट्रासबर्ग एक जैसे यहाँ पे विलेज है, तो स्ट्रासबर्ग का मतलब होता है ऑस्ट्रिच, तो यहाँ पे इस विलेज का नाम ऑस्ट्रिच के नाम पे पड़ा हुआ है। तो बस अभी एसपान से निकलते ही बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक गाड़ियों का वो है, वैसे सेकेंड हैंड गाड़ियाँ मिलती है ना, तो उसका यहाँ पे शोरूम टाइप है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शोरूम कैसा है यहाँ पे, और उसका प्राइस दिखाता हूँ कितना कितना प्राइस है यहाँ पे। तो ये देखो यार, ये कंपनी है और ये गाड़ी का प्राइस है 19,000 यूरो, और गाड़ी है मर्सिडीज़ की, मर्सिडीज़ बेंज A250, और गाड़ी ये है। गाड़ी की कंडीशन देखो यार तुम लोग, गाड़ी कैसी है, बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी है। और ये एक गाड़ी है ओपेल की, तो इसका प्राइस भी तुम लोगों को दिखाता हूँ कितना प्राइस है इसका, इसका भी सेम प्राइस है, मतलब अराउंड 20,000 यूरो के आसपास आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी यहाँ पे। काफ़ी सारे ऑप्शन है, मर्सिडीज़ पड़ी हुई है, और यहाँ पे आपको कुछ फोर्ड रैप्टर मिल जाएगी यहाँ पे। जर्मनी की खास बात है, आप यहाँ किसी भी से छोटे गांव में चल जाओ, बट आपको यहाँ पे फैसिलिटी सारी मिलेगी। जैसे हम लोग अभी एसवान स्टेशन से निकले थे, और साथ में यहाँ पे पीछे ये अल्डी है, तो वहाँ से हमने सामान ले लिया थोड़ा खाने के लिए। तो जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि जैसे गांव के लोगों को कुछ अपने बेसिक नीड्स के जो ज़रूरतें होती हैं, उस सामान सारा होता है वो, उसके लिए शहर आना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मतलब गांव में आपको हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पे विलेज में हम लोग घूमते घूमते यहाँ पे अभी एक छोटा एक जैसे होता है ना फ्लुगाफन एयरपोर्ट, उसके पास आ गए थे,
तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टंट प्लेन खड़े हैं जो यहाँ पे हमें अंकल से बात करके लगा पता है, एक लोकल थे यहाँ पे अंकल, तो उन्होंने बताया जो यहाँ पे जो यहाँ लोकल यहाँ पे लोग हैं तो उनके पर्सनल प्लेन है। और मैं आपको दिखाता हूँ प्लेन कैसे हैं, देखो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये प्लेन, ये देखिए, और ये पूरा पीछे फील्ड पूरा प्लेन से भरा हुआ है देखो, और खड़े हुए हैं वो सामने, पीछे वाला प्लेन अभी बस लैंड ही हुआ है मेरे सामने सामने, और इस तरफ भी काफ़ी प्लेन खड़े हुए हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए आ गया प्लेन, ये बस अभी लैंड ही हुआ था मेरे सामने सामने, ये देखिए, और ये और प्लेन खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा देखने में, और ये पूरा पीछे फील्ड है, इसको एयरफील्ड बोलते हैं यहाँ पे, और ये साथ में रोड है। तो गाइस ये देखो कितना अच्छा लग रहा है पूरा एयरफील्ड, देखिए कितनी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, और ये और प्लेन खड़े हुए हैं, और साथ में यहाँ पे एक छोटा रेस्टोरेंट है तो आप लोग यहाँ पे भी अपना बैठ के कुछ खा पी सकते हैं। और ये रहा वो दूसरा प्लेन छोटा वाला, एक पुरानी विंटेज कार आ गई। मौसम देखो कितना सुंदर है, सुबह से तो बारिश हो रही थी बट अभी धूप निकली है, तो हम लोग तभी प्लान हुआ सडन के चलो घूम के आते हैं क्योंकि दो दिन छुट्टी है हमें। तो ये देखो यार मतलब जर्मनी के विलेज कुछ ऐसे दिखते हैं, ये आपको कहीं देखने में लग रहा है एक विलेज है ये। तो ये जो एयरफील्ड है ये है एक स्कूल है और इसका नाम है एरो टूर्स GmbH, जो कि एक लिमिटेड फर्म होती है उसको GmbH बोलते हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये फ्लुग स्कूल है जो यहाँ पे जो अपना प्लेन उड़ाना सिखाते हैं यहाँ पे, तो ये वही स्कूल है। और साथ में इसके यहाँ बोर्ड लगा हुआ देखो यहाँ पे बड़ा बैनर, और रोड के ऑपोजिट साइड ये एयरफील्ड है यहाँ पे पूरा। अगर आप लोग छोटे प्लेन में स्टंट प्लेन में अगर ट्रैवल करना ट्रैवल यहाँ पर राउंड लगाना चाहिए तो इसके प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये लिखा 9% और 1% का यहाँ पे है 99 यूरो, और 2 या 3% के यहाँ पे 110 यूरो लगेंगे यहाँ पे। और ये टिकट और यहाँ पे इसका नंबर वगैरह मेंशन किया है तो आप लोग देख लो टेलीफोन नंबर इनका, तो आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, साथ में ईमेल एड्रेस लिखा हुआ और इनकी वेबसाइट भी नीचे मेंशन की हुई है, और यहाँ पे लोकेशन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है तो आप इनको कॉन्टैक्ट करके भी आ सकते हो। और ये साथ में ही रहा यहाँ पे इसका एंट्रेंस, और यहीं पर पिकअप और इसका ड्रॉप पॉइंट है, तो बस यहीं से आप आ गए। तो यहाँ पे जो आपका एक ट्रिप होगा वो होगा 55 मिनट्स का, और ये देखिए बर्लिन का मैप बना है तो आपको इस एरिया में घुमाएंगे 55 मिनट्स के लिए, और ये इस नीचे प्राइस लिखा हुआ है और साथ में नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी है इनकी वेबसाइट और इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन किया हुआ है तो आप देख लो। ये शोने फील्ड से लेके टेम्पल ऑफ और टीगल वाले एरिए में आपको घुमाएंगे 55 मिनट्स तक। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में कि जो इस विलेज का नाम है वो ऑस्ट्रिच के नाम पे पड़ा है, तो ये देखिए पीछे मेरे एक ऑस्ट्रिच यहाँ पे है, मतलब उसका एक डमी बना के रखा हुआ है, और साथ में यहाँ पे पीछे मेरे पूरा एयरफील्ड है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्लेन के लिए ऐसे अलग शेड बने हुए हैं, वहाँ पे इनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग चल रही है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे प्लेन खड़े हुए अंदर और इनकी मेंटेनेंस चल रही है, देखिए वहाँ पे लोग इनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो आज तो थोड़ा वेदर थोड़ा क्लियर नहीं है तो इस वजह से हमें प्लेन कम दिख रहे हैं, बट अगर आप लोग यहाँ पे अगर समर्स में आओगे जिस दिन मतलब पूरा सन होगा या फिर गर्मियों के टाइम पे तो यहाँ पे आपको हर जगह छोटे प्लेन ही प्लेन दिखेंगे। और ये यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं छोटा एयरपोर्ट टाइप है वो बना यहाँ पे जो यहाँ पे स्कूल है, तो ये वही एरिया है। कितना बढ़िया स्टंट कर रहा हूँ मैं, तो गाइस फाइनली हम लोग अभी लेक के पास आ चुके हैं, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे बर्लिन के सी जोन के पास जो लेक है वो कैसी दिखती है।
तो देखिए हम लोग फाइनली अभी आ चुके हैं यहाँ पे जर्मन का जो ऑथेंटिक विलेज होता है। तो देखो जर्मनी विलेज कुछ ऐसे दिखते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे विलेज में भी आपको जैसे मैंने बताया था यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए सारी मार्केट यहाँ पे, और ये कितना अच्छा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है साइकिलिंग का पाथ और गाड़ी का पाथ। और जैसे सिटीज़ में होता है तो सेम वैसे यहाँ पे स्ट्रीट वगैरह मेंशन की हुई है कौन सी स्ट्रीट है यहाँ पे, सेम यहाँ पे। और ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, और वहाँ पे देखिए यहाँ पे सामने यहाँ पे जो आपको देखे जो मेडिकल स्टोर होता है वो यहाँ पे। और ये पूरा एक प्रॉपर जर्मन विलेज है, देखिए पूरी स्ट्रीट खाली पड़ी है यहाँ पे, कोई भी नहीं है अभी। ये देखिए विलेज पूरा क्लीन यहाँ पे है सारा, तो कोई यहाँ पे गंदगी वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ पे तो कोई अभी है भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रीट खाली पड़ी हुई है। घर देखिए कितने सुंदर सुंदर बने हुए यहाँ पे। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे मतलब विलेज में भी यहाँ पे गाड़ियाँ देखो जैसे पूरी रोड साइड पे पूरे ढंग से यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और रास्ता बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल गाड़ी बाकी गाड़ियाँ के लिए क्लियर है। और साथ में पेडेस्ट्रियन के लिए अलग से यहाँ पाथ बना हुआ दोनों साइड जैसे कि सिटीज़ में होता है। और यहाँ पे घर देखो कितना सुंदर सुंदर है, ये देखिए पीछे मेरे घर देखो आप। तो अगर आप लोग उस लेक में बोटिंग करना चाहें तो इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे नीचे इनकी ईमेल आईडी भी दी हुई है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और अगर साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें क्योंकि मैं जर्मनी के रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ।